हेलो फ्रेंड्स, आई महेश यादव वेलकम्स यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मज़ा मैथ। तो देखो, इस सेशन में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए एक्सरसाइज 11.2 करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि इसमें तीन लाइंस दी हुई हैं, हमें इनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, हमें इनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला ये देखते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो होती है लाइन्स, ठीक है, उनकी कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या आती है ये बताओ। तो देखो क्या है कि जब लाइंस कंडीशन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है कंडीशन कि L1 इंटू L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपके पास लाइन होती है, यानी ये कंडीशन होती है। तो देखो यहाँ पर लाइन आपको तीन दी हुई है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग इनके नेम ही लिख देते हैं। हम इनमें हमें डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, तो किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके LMN होते हैं। ठीक है, LMN हमारे पास तीन डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, तो देखो L1 M1 N1 लाइन L1 इसके लिए, फर्स्ट लाइन के लिए, यानी जो फर्स्ट लाइन आपके पास, हम उसको लिख लेते हैं क्या कि A, लाइन A मान लेते हैं फर्स्ट वाले को। इसके लिए हमारे पास L1 पॉइंट क्या, हमारे पास 12/13 है। M1 पॉइंट हमारे पास जो, वो हमारे पास है -3/13, और जो N1 पॉइंट हमारे पास वो है -4/13। ठीक है, ऐसे ही हम अपनी दूसरी लाइन मान लेते हैं लाइन B, जिसके हमारे पास पॉइंट्स क्या है, हमारे पास L2, इसको हम L2 बोल देते हैं, हमारे पास है 4/13 है। M2 ये पॉइंट हमारे पास कितना है 12/13, और जो N2 ये पॉइंट हमारे पास, ये हमारे पास 3/13। ऐसे ही हम अपना जो लाइन तीसरी है उसको भी लिख देते हैं, यानी जो लाइन सी है हमारे पास, वो उसके पॉइंट हमें दिए हुए हैं क्या L3, हमारे पास जो पॉइंट होगा वो कितना होगा 3/13। M3 ये पॉइंट होगा हमारे पास -4/13, और N3 जो पॉइंट होगा वो होगा 12/13। अब ये देखो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है हमें, ठीक है, तो कोई भी दो लाइन लेके चलते हैं और उनको फिर सोल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो हम लोग अपनी सबसे पहले लेके चलते हैं क्या ए और बी, लाइन ए बी को। ठीक है, तो देखो सभी पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 = 0। ठीक है, अब देखो कि जब ये पॉइंट्स हमारे पास हैं, इन पॉइंट्स को लेके चलते हैं हम लोग, तो वैल्यू डालते हैं हम लोग क्या कि L1 की वैल्यू हमारे पास है 12/13 इनटू L2 4/13 प्लस M1 -3/13, इसको ब्रैकेट लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12/13 प्लस में N1 कितना हमारे पास -4/13 इंटू 3/13। ठीक है, इसको सोल्व करो कितना आएगा, ये 48/169 माइनस हो जाएगा 36/169, और ये माइनस हो जाएगा 12/169 इक्वल आएगा 169 आपका LCM होगा। यहाँ पे क्या होगा 48 माइनस हो जाएगा 48, यानी आंसर क्या आएगा आपका 0। इसका मतलब जो लाइन आपकी ए बी है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हमें देखना है लाइन बी और सी के लिए, चेक करते हैं हम लोग साइड पॉइंट, चेक करते हैं हम लोग लाइन बी सी के लिए। ठीक है, देखो क्या है कि इसके लिए हम लोग दो देते हैं बी और सी को, तो L2 L3 ले चलते हैं, M2 M3 और N2 N3 ले चलते हैं, ये भी हमारे इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो क्या होगा, देखो 7/13 मल्टीप्लाई बाय 3/13 प्लस 12/13 मल्टीप्लाई बाय -4/13 प्लस 3/13 मल्टीप्लाई बाय 12/13। ठीक है, ये यहाँ पर 7 नहीं 4 है। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये मिलेगा हमें कितना 12/169, ये होगा -48/169 प्लस 36/169। अब देखो इसका LCM लेते हैं, 169 हमारा LCM आएगा। ठीक है, 12 + 36 कितना होता है 48 होता है, और माइनस के आपके पास 48, यानी ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब लाइन B और C भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब हम चेक करते हैं लाइन अपने तीसरा, यानी AC लाइन जो हमारी, ठीक है, लाइन A और C को चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो लाइन AC के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये देखो कि जो लाइन AC हमारे पास, उसके क्या मिलेंगे हमें 12/13 मल्टीप्लाई बाय 3/13 प्लस, अब क्या मिलेंगे आपको, -3/13
थर्टीन मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर डिवाइडेड बाय थर्टीन, ठीक है। अब मिलेगा प्लस माइनस फोर डिवाइडेड बाय थर्टीन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व डिवाइडेड बाय थर्टीन, ठीक है। अब देखो फोर थ्री ट्वेल्व थ्री जगह कितना होता है आपके पास 36, यानी 36 डिवाइडेड बाय 169, ये भी प्लस का होगा कितना 12 डिवाइडेड बाय 169, ये माइनस का होगा कितना 48 डिवाइडेड बाय 169। इसके अभी हम लोग एलसीएम लेंगे, 169 हमारा एलसीएम आएगा और ऊपर क्या मिलता है हमें 48 माइनस 48 इज इक्वल टू जीरो, यानी ये भी क्या हमारी परपेंडिकुलर है लाइन। इसका मतलब क्या कि हमने इन चीज़ों को प्रूफ करके दिखा दिया है। तो क्या लिखेंगे, दस ऑल लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दस ऑल गिवन लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर टू में हमें दिया हुआ है कि एक जो लाइन है जो वन माइनस वन टू थ्री फोर माइनस टू पॉइंट से पास होती है वो परपेंडिकुलर होती है लाइन के जो जीरो थ्री टू और थ्री फाइव सिक्स से पास होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते हैं, देखो कि लिखते हैं हम लोग लेट एक लाइन ए बी मान लेते हैं कि ए बी बी द लाइन जो ज्वाइन करेगी किसको, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं उसको नाम दे देते हैं कि वन माइनस वन टू एंड थ्री फोर और माइनस टू, ठीक है। एंड सी डी बी द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स कौन से, जीरो थ्री टू एंड और कौन सा पॉइंट है थ्री फाइव और सिक्स, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि पॉइंट दिए हमें तो पॉइंट से निकालो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं आपके। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, तो देखो ए बी के हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं क्या होगा, देखो यानी जो ए वन होगा हमारे पास वो क्या होगा कि थ्री माइनस वन बी वन जो होगा हमारे पास वो क्या होगा फोर माइनस माइनस वन, और जो सी वन होगा हमारे पास वो क्या होगा माइनस टू, यानी ये कितना आएगा हमारे पास टू, ये आएगा हमारे पास फाइव और ये आएगा हमारे पास कितना माइनस फोर आ गया, ठीक है। अब देखो अब डायरेक्शन रेशियो हम निकालते हैं लाइन सी डी के लिए, तो क्या लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सी डी, ठीक है। अब देखो लाइन सी डी डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास ए टू नाम हो जाएगा इसका, यानी क्या होगा थ्री माइनस जीरो, यानी कितना आएगा आपके पास थ्री, बी टू कितना होगा आपके पास फाइव माइनस थ्री यानी कि टू होगा, और सी टू कितना होगा आपके पास सिक्स माइनस टू यानी कि फोर। तो देखो आपके पास दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं लाइन्स के, ठीक है। अब आप जानते हो कि आपके पास डायरेक्शन रेशियो कंडीशन क्या थी, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू शुड बी इक्वल टू जीरो, आपको यदि दिखाना है तो, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर के लिए, इफ लिखो कंडीशन, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये वैल्यू के अंदर डालते हैं हम लोग, अब हमें क्या मिलता है देखो, तो देखो हम वैल्यू डालते हैं इसकी, यानी ए वन की वैल्यू हमारे पास है टू इंटू ए टू की वैल्यू थ्री प्लस ये होगा फाइव इंटू टू प्लस में क्या होगा माइनस फोर इंटू फोर, ठीक है। अब देखो ये क्या मिलता है थ्री टू जो सिक्स प्लस फाइव टू जो टेन माइनस सिक्सटीन, यानी हमें मिलता है क्या सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन यानी कि जीरो। इसका मतलब यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसका मतलब क्या है कि हमारे जो लाइन है वो आपस में क्या है, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें दिया हुआ है कि हमें शो कराना है एक लाइन है जो पास होती है इन दो पॉइंट से, पैरल होती है इन दो लाइन वाली पॉइंट से, ठीक है। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, सिर्फ कंडीशन चेंज होनी है इसके अंदर। तो देखो क्या दिया हुआ है, हम फिर से वही बात लिखते हैं कि लाइन हमारे पास ए बी और सी डी दो लाइन्स मान लेते हैं यहाँ पर भी हम लोग, ठीक है। तो क्या लिखते हैं देखो, लेट ए बी बी द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, कौन कौन से हमारे पास
फोर सेवन एट एंड टू थ्री फोर, ठीक है। और हमारे पास हम मान लेते हैं कि सी डी हमारे पास दो थ्री लाइन है जो ज्वाइन करती है पॉइंट्स को कौन कौन से, माइनस वन टू और वन को, एंड पॉइंट्स कौन से वन टू एंड फाइव को, ठीक है। ये हमारे पास दो लाइन्स आ चुकी हैं। अब इनके हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो क्या होगा देखो, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, तो देखो ए बी का डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इसमें, देखो यानी वो होंगे हमारे पास क्या कि टू माइनस फोर, यानी ए वन जो हमारे पास होगा वो क्या होगा टू माइनस फोर यानी कि माइनस टू, बी वन हमारे पास क्या होगा थ्री माइनस सेवन यानी कि माइनस फोर, और सी वन जो पॉइंट होगा वो हमारे पास होगा फोर माइनस एट यानी कि माइनस फोर, ठीक है। ऐसे हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सी डी, ठीक है। तो यहाँ से ए टू आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास होगा कि वन माइनस माइनस वन यानी कि इतना हो जाएगा प्लस टू, और बी टू हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा कि टू माइनस टू। देखिए ये जो पॉइंट हमारे पास ये माइनस टू है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो क्या है यहाँ पे क्या होगा टू माइनस माइनस टू यानी कि ये आएगा हमारे पास प्लस का फोर, और सी टू जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा फाइव माइनस वन यानी कि फोर, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास क्या लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तो क्या होगा कि टू लाइन्स, कंडीशन लिखते हैं हम लोग कि टू लाइन्स आर पैरेलल, कि दो लाइन्स आपकी पैरेलल होंगे कब, इफ कंडीशन क्या है हमारे पास पैरेलल की कि ए वन डिवाइडेड बाई ए टू इज इक्वल टू होना चाहिए बी वन डिवाइडेड बाई बी टू, इक्वल होना चाहिए आपका सी वन डिवाइडेड बाई सी टू के, ठीक है। अब देखो वैल्यूज डालते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलता है कि ए वन की वैल्यू माइनस टू डिवाइडेड बाई ए टू हमारे पास टू है, बी वन हमारे पास माइनस फोर डिवाइडेड बाई बी टू फोर है, और सी वन भी माइनस फोर सी टू हमारे पास फोर है। इनको कैंसिल आउट करते हैं हम लोग तो वन वन पे जाते हैं, आंसर हमारे पास आता है माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि तीनों के तीनों हमारे पास पॉइंट्स इक्वल आ रहे हैं, और यदि तीनों पॉइंट्स इक्वल होते इसका मतलब क्या है कि जो लाइन्स आपकी पैरेलल होती है। तो क्या लिखोगे आप लास्ट में कि लाइन ए बी एंड सी डी बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल हैं। ये हमारे को उस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें इक्वेशन निकालने की लाइन की जो पास हो रही है पॉइंट वन टू थ्री इससे और पैरेलल है वेक्टर इससे। अब देखो ये हमारी आ जाती है इक्वेशन इसमें, यानी ये वो क्वेश्चन है जो हमने स्टार्ट में देखा था अपना 11.2 के इंट्रो में, सबसे पहला पॉइंट टॉपिक जो हमने किया था कि जब लाइट हमारी पास हो रही थी लाइन हमारी, तो इसकी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, यानी इसकी इक्वेशन हमारे पास थी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू किसके था ए प्लस ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। आपको याद होगा कि हमने कुछ इस तरीके से किया था, मैंने बोला था कि इमेजिनेशन करना चाहिए आपको कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये वाला जेड है। हमने देखा था कि हमारे लाइन कुछ ऐसे पास हो रही थी किसी भी एक पॉइंट से, हमने इस पॉइंट को लिया था यहाँ पर, ठीक है, और एक हमने यहाँ पर ए पॉइंट माना था, इसको पी लिया था, और इधर से कोई वेक्टर हमने बी को पास आउट किया था, फिर हमने इसको मिला था, ये हमारा ओरिजिन था, ये हमारे पास क्या था पी, ठीक है। तो देखो ये कुछ ये क्वेश्चन था हमारा, इससे हमने ये इक्वेशन निकाली थी ए प्लस लैम्डा बी, तो यानी ये इस क्वेश्चन से होगा, ठीक है। तो ए जो पॉइंट था वो क्या था आपके पास, पॉइंट वन टू थ्री ए के हैं, यानी कि यहाँ से क्या निकालोगे आप सबसे पहले वैक्टर ए निकालोगे, ठीक है। तो देखो वैक्टर ए यहाँ से क्या आएगा पॉइंट वन टू थ्री है यानी आई जे के साथ, तो क्या हो जाएगा वन आई प्लस में टू जे प्लस क्या होगा आपके पास थ्री के होगा, ठीक है। और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखो वेक्टर बी आपके पास क्या हो जाएगा कि थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये वेक्टर बी हो गया आपका। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, लैम्डा यहाँ पे क्या है लैम्डा एक कॉन्स्टेंट है, तो सिर्फ आपको क्या बताना है इक्वेशन बतानी है लाइन की, ये लाइन की इक्वेशन होती है आप जानते हो, इसमें क्या करना है वैल्यू को डाल देना, सिर्फ वैल्यू डाल दो, अब क्या होगा आपके पास, यानी कि जो आर वेक्टर आपके पास होगा वो क्या होगा ए वेक्टर यानी कि आई वेक्टर प्लस टू जे वेक्टर प्लस थ्री के वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी, बी की वैल्यू क्या आपके पास थ्री आई वेक्टर प्लस टू जे वेक्टर माइनस टू के वेक्टर, ये आपके पास आपकी इक्वेशन आ गई है, यानी ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
ये आपकी गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन है आपकी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फाइव में हमें दिया हुआ है कि हमें एक इक्वेशन निकालनी है लाइन के लिए वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म के अंदर, जो पास होती है पॉइंट से जिसका पोजिशन वैक्टर हमें दिया हुआ है और डायरेक्शन हमें दी हुई है आई प्लस टू जे माइनस के, ठीक है। देखो क्या है कि जब हमें ये पॉइंट विद पोजिशन वैक्टर, मतलब क्या है कि हमें ये वैक्टर इक्वेशन यानी पॉइंट ए दिया हुआ है जो हमारे पास है, ऐसे हमारे पास होता था यानी लाइन पास कर रही होती थी जो जो ए पॉइंट था इसका, तो ये वो पॉइंट दिया पोजिशन वैक्टर ए, ठीक है। ये हम ए वैक्टर लेते थे ना यहाँ पर, ये पोजिशन वैक्टर तो हमें वो दिया हुआ है, यानी क्या कि ए वैक्टर हमें गिवन है कितना कि टू आई माइनस जे प्लस फोर के, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं हमें कि एक डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब क्या, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, डायरेक्शन दी हुई उसकी, यानी ये वेक्टर बी कितना दिया हुआ हमें आई प्लस टू जे माइनस के वेक्टर, यानी लिखते हैं क्या कि वेक्टर बी हमें जो गिवन है वो है आई प्लस टू जे माइनस के, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि इक्वेशन निकालें लाइन के लिए, तो देखो ये पॉइंट पी मान लेते, इसको मिला लेते हम लोग, यानी ये आर वेक्टर, तो हमें आर वेक्टर फाइंड आउट करना है और जो इक्वेशन होगी वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में होनी चाहिए। तो आप जानते हो क्या कि सबसे पहले सोल्व करते हैं हम लोग इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो देखो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन आपके पास थी क्या, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है एक और इससे पहले, तो जो वेक्टर फॉर्म आपके पास इक्वेशन थी वो थी आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू डालते हैं हम लोग, यानी ए वेक्टर की जो इक्वेशन हमारे पास वो क्या है कि टू आई माइनस जे प्लस फोर के कैप और प्लस में लैम्डा इंटू बी के वैल्यू क्या है हमारे पास, यानी आई कैप प्लस में टू जे कैप माइनस में के कैप, ये हमारे पास बी के वैल्यू है, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू आती है किस में आती है, वेक्टर फॉर्म में आती है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है हमारी वेक्टर फॉर्म के अंदर। अब हम चलते हैं इसको कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, देखो यहीं से सोल्व करते हैं हम लोग। तो देखो अब हम इसको सोल्व करते हैं कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, लिखते हैं हम लोग क्या कि पॉइंट टू हो जाएगा हमारा इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं, हम यहीं से इसको सोल्व करेंगे हम लोग इस इक्वेशन को इसी पॉइंट से। तो देखो क्या है, जो आर वेक्टर था हमारा पोजिशन वेक्टर, इसके पोजिशन वेक्टर क्या था, ये था हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही था हमारे पास। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं, आई जे और के कैप वाले पोजिशन वेक्टर्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, टू और प्लस में इधर मिलेगा हमें लैम्डा, यानी ये हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस में, देखो यहाँ से मिलेगा माइनस वन और इधर मिलेगा हमें टू लैम्डा, ये हो जाएगा हमारे पास जे कैप प्लस, देखो इधर हमारे पास क्या है फोर और यहाँ पे हमारे पास माइनस का एक लैम्डा, यानी सिर्फ लैम्डा लिख लेते हैं हम लोग, ये मिलेगा के कैप, ठीक है। अब करते हैं इसको कंपेयर, यानी कि ऑन कंपेरिजन, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, देखो कि जो आई को आई से कंपेयर करते हो, जे को जे से और के को के से कंपेयर करेंगे हम लोग। तो देखो हमें यहाँ से क्या इक्वेशन मिलती है, हमें इक्वेशन मिलती है क्या, एक एक करके बताता हूँ आपको कि एक्स इज इक्वल टू मिलता है हमें टू प्लस में लैम्डा मिलता है हमें यहाँ पे, ठीक है। वाई इज इक्वल टू हमें मिलता है यहाँ पर क्या कि माइनस वन प्लस में टू लैम्डा, और यहाँ से जेड की इक्वेशन हमें मिलती है क्या कि फोर माइनस लैम्डा। अब देखो लैम्डा की क्वेश्चन निकालते हैं, यहाँ से हमें मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होगा हमारे पास, ठीक है। और डिवाइड में क्या होगा वन, क्योंकि लैम्डा के आगे वन है तो सिर्फ नीचे वन ले आएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से क्या होगा हमारे पास, देखो क्या होगा वाई प्लस वन और टू नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर भी लैम्डा होगा और यहाँ पर क्या होगा कि लैम्डा को राइट साइड लेफ्ट साइड ले आते हैं, यहाँ क्या मिलेगा फोर माइनस जेड डिवाइडेड बाई क्या होगा, देखो लैम्डा के आगे अब क्या है वन है तो वन नीचे, ठीक है। अब क्या होगा इसका, यानी इसको लिख लेते हैं हम लोग क्या कि जेड माइनस फोर डिवाइडेड बाई माइनस वन भी लिख लेते हैं इसको हम लोग। अब देखो ये तीनों हमारे पास लैम्डाज हैं, है ना, तो इनके तीनों इक्वल कर लेते हैं हम लोग, क्या मिलेगा हमें देखो, यानी एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई वन इज इक्वल होगा आपका वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये इक्वल होगा आप किसके कि जेड माइनस फोर डिवाइडेड बाई माइनस वन, यानी ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म, यानी ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें दिया हुआ है कि हमें इक्वेशन निकालनी कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, जो पास होती है पॉइंट दिया हुआ है माइनस टू फोर एंड माइनस फाइव, और जो पैरेलल लाइन के जो लाइन हमें दी हुई वो भी कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है और इक्वेशन भी हमें कार्टेशियन फॉर्म में ही निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या है कि जो गिवन लाइन लिख लेते हम लोग, गिवन लाइन इज
यानी जो हमें लाइन गिवन उसकी इक्वेशन लिख लो क्या है कि x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू z प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, आपको इक्वेशन दी हुई है। तो आप जानते हो जो नीचे आपके ये पॉइंट होते थे, ये क्या पॉइंट होते थे आपके, डायरेक्शन रेशियोज होते थे। ठीक है, तो लिखो क्या, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन। तो देखो गिवन लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो आपके पास क्या है, 3, 5 एंड 6, 3, 5, 4, 6। ठीक है, अब देखो क्या है, आपको याद होगा हमने पीछे बताई थी कि जब भी लाइन पैरल होती है दो लाइन, तो उनकी इक्वेशन क्या होती, कि मान लो आपके पास लाइन L1 है, उसकी इक्वेशन क्या होती थी आपके पास कि A1 वेक्टर प्लस में लैम्डा B वेक्टर होता था, और L2 क्या होता था आपके पास कि A2 वेक्टर प्लस में म्यू B वेक्टर। यानी कि ये देखो कि ये पॉइंट वाला वेक्टर जो होता था ये आपका सेम होता था, है ना। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, सेम चीज़ें होंगी कि जो नीचे वाला पॉइंट्स होते हैं आपके ये क्या होते हैं, ये भी तो वेक्टर वाले, ये यानी पॉइंट जो बी होता है उसी के तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो दूसरा रिक्वायर्ड लाइन होगी हमारी उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, देखो क्या है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, यानी जो रिक्वायर्ड लाइन है आपकी उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे आपके पास, वो भी इसी फॉर्मेट में होंगे, यानी किसी कॉन्स्टेंट का 3K, 5K और 6K। कहने का मतलब क्या है कि दोनों लाइन्स के जो मैग्नीट्यूड आपके सेम होनी चाहिए, ठीक है, 3K, 5K और 6K आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये आपके पास लाइन हो गई, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकल चुके हैं। अब आपके पास देखो पॉइंट दिया हुआ है, तो आप जानते हैं इक्वेशन क्या होती है, यानी कि इक्वेशन फॉर द रिक्वायर्ड लाइन, यानी जो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या होगी इन कार्टेशियन फॉर्म, यानी हम कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हैं देखो। ठीक है, क्योंकि हमें जो इक्वेशन निकालनी है वो कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगी इक्वेशन आपकी, आप जानते हैं इक्वेशन क्या होती है कि x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल होता है आपके पास y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इक्वल होता है आपके पास z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, तो देखो आपसे क्वेश्चन में गिवन है कि जो पॉइंट आपका वो माइनस टू फोर और माइनस फाइव है, आपका जो पॉइंट कौन सा, माइनस टू फोर और माइनस फाइव, यानी ये क्या है। देखो यहाँ पर क्या है, जिस पॉइंट को देखते हम लोग तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है क्या कि एक्स वन की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस टू, एक्स टू की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है, फोर, सॉरी एक्स टू नहीं यहाँ पे, ये वाई वन है, वाई वन की, और यहाँ से देखें तो जेड वन की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस फाइव। ठीक है, तो देखो क्या है कि ये वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन में डालते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, एक्स माइनस एक्स वन का पॉइंट कितना, माइनस टू डिवाइडेड बाई, देखो डिवाइड में क्या आपके पास ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज रिक्वायर्ड लाइन के, और हमने अभी डायरेक्शन रेशियो रिक्वायर्ड लाइन के अभी निकालने क्या, 3K, 5K और 6K। तो ये वैल्यूज को हम यहाँ नीचे डालते हैं तो हमें मिलता है क्या, नीचे आ जाएगा 3K इक्वल होगा हमारे पास क्या होगा कि y माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपके पास 5K होगा, इक्वल होगा हमारे पास z माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाई क्या होगा 6K होगा। तो देखो इसको फर्दर सोल्व करते हैं हम लोग, हमें आगे मिलता है क्या कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3K होगा इज इक्वल टू होगा y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5K इज इक्वल टू हमें मिलेगा कि z प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 6K। अब देखो k यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, हमें क्या मिलता है कि k इज इक्वल टू हमें मिलेगा क्या कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हमें मिलेगा y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू z प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 6, यानी ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, और k यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो दोस्तों इस सेशन में बस इतना ही, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।